नमस्कार, कंपटीशन कमेटी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान। आइए फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करते हैं कंपटीशन कमेटी के इस कॉम्पिटिटिव साइंस सीरीज में एक और महत्वपूर्ण लेक्चर को, दैट इज अबाउट चंद्रयान मिशन। चंद्रयान मिशन में हम आज कंपेयर करेंगे चंद्रयान 3, चंद्रयान मिशन 2, चंद्रयान मिशन 1 को, ठीक है, जिसमें कि हमको उन सभी पॉइंट्स को कवर करना है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये बहुत रेलेवेंट कंटेंट होगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस चंद्रयान मिशन को। लेकिन उससे पहले आप लोगों को याद होगा कि हम कौन से सीरीज पढ़ रहे हैं। हम कॉम्पिटिटिव साइंस की सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें कि हम जनरल साइंस, एनवायरमेंट साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनसे रिलेटेड उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने एग्जाम में ज्यादा स्कोर कर सके, जिसमें कि बहुत सारे ट्रिक्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे एमसीक्यू भी होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी होंगे, कुछ मोटिवेशन पार्ट भी होगा। मतलब आप इसमें अगर आप अपना समय इन्वेस्ट करते हैं तो पूरा गारंटी है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट गेन करके जाएंगे। सो लेट वी स्टार्ट टुडेस टॉपिक ऑफ चंद्रयान मिशन। तो पहले हम 3 को कवर करेंगे, फिर 2, फिर 1 को कवर करेंगे, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट है 1, 2, 3। तो पहले हम इसे रिवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, रिवर्स गियर से हम देखते हैं चंद्रयान 3, 2, 1 को। अगर हम चंद्रयान 3 को देखें तो अभी इसरो के द्वारा रिसेंटली ये अनाउंस किया गया है, जब हम ये सेशन कर रहे हैं 12 जुलाई 2023 को, तो ये 14 जुलाई को दोपहर 2:35 में ये चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। क्या है बेसिकली चंद्रयान? हम पहली बार चांद यानी मून पर क्या करने वाले हैं, लैंडिंग करने वाले हैं। इसके पहले हमने लैंडिंग का एक और एफर्ट लगाया हुआ था चंद्रयान 2 में, बट अनफॉर्चुनेटली हम वहां पे लैंडिंग नहीं कर सके। तो उसी को हम वापस दोबारा एफर्ट लगाएंगे ताकि हम उसमें लैंडिंग कर सके, और जब हम लैंड करेंगे तो उसके बाद वहां एक रोबोट निकलेगा लैंडर के अंदर से, और वो रोबोट जिसे हम रोवर कहते हैं, वो मून की धरती का स्टडी करेगा, जहां डिफरेंट टाइप के बहुत ही महंगे और बहुत ही दुर्लभ प्रकार के मेटल्स या एलिमेंट्स मिल सकते हैं, जैसे यूरेनियम, प्लेटिनियम, गोल्ड एटसेट्रा। ठीक है, तो यहां पर समझते हैं कि जब हम चंद्रयान 3 मिशन को देखेंगे तो एक लॉन्चर होगा जिसे हम बाहुबली लॉन्चर भी कहते हैं, ये इसका निकनेम है, एक्चुअल में वास्तविक नाम है GSLV Mark III, जिसका अभी नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया गया है, उसका नाम अब क्या हो गया है, LVM III। इसका नॉमेनक्लेचर चेंज क्यों हुआ मैं आगे बताऊंगा। इसे ही पहले क्या कहा जाता था, GSLV Mark III कहा जाता था, अब वो क्या हो गया है, अब ये हो गया है LVM III, है ना, लॉन्च व्हीकल Mark III। इज इट क्लियर? ये भारत का सबसे पावरफुल लॉन्चर है, जिसे सबसे पहले 2014 में हमने पहली बार टेस्टिंग किया और पहला हमारा मिशन किया था। जब हम चंद्रयान 3 मिशन को देखते हैं, ये एक्चुअल चंद्रयान 3 का जो है इमेज है, जो एक उसके ऊपर इस प्रकार कैप्सूल टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है वो कवर्ड होता है, और किसी भी लॉन्चर के टिप पर, ये देखो ये लॉन्चर का टिप है, इसी जगह पर ही क्या किया जाता है, इसे फिट किया जाता है। बाकी सब क्या है, लॉन्चर है, ये क्या है, सैटेलाइट है। किसी भी लॉन्चर में क्या भरे होते हैं, प्रोपेलेंट भरे होते हैं, प्रणोदक भरे होते हैं। प्रोपेलेंट समझते हैं, ईंधन प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ईंधन प्लस ऑक्सीकारक, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपका प्रोपेलेंट बनाते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज जल नहीं सकती, तो ऑक्सीजन होना कंपलसरी है, और उसमें फिर फ्यूल भरा जाता है। तो फ्यूल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू प्रोपेलेंट, और इसमें हम सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक जैसे प्रोपेलेंट भरते हैं। क्रायोजेनिक इंजन जब भारत ने बनाया तो भारत बहुत ज्यादा पावरफुल लॉन्चर बनाने में कैपेबल हो गया। नाउ हम नोट करते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चंद्रयान 3 मिशन से जो आपके एग्जाम में काम आएगा। तो चलिए लिखना स्टार्ट करिए। इसमें पहला पॉइंट है इसका लॉन्चिंग डेट। तो लॉन्च डेट ऑलरेडी इट इज क्लियर कि हम देख रहे हैं कि 14 जुलाई दोपहर 2:35 को ये क्या है, लॉन्च किया जाएगा। कहां से लॉन्च किया जाता है भारत में, लॉन्चिंग कहां से होती है, आप सभी को पता है, SDSC 7, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश पर है। ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश पर है, पुलिकट लेक के पास है, याद रखिएगा। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज से इसे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, टोटल इसमें कितनी बजटिंग हुई है,
तो टोटल कितना बजट इसमें लगा है, तो ये है अराउंड 700 करोड़, 700 करोड़ लगा हुआ है। ठीक है, ये इसमें अगला पॉइंट देखते हैं कि लगभग 45 से 48 डेज में कहां पर पहुंच जाएगा, मून के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। मून के ऑर्बिट, ऑर्बिट समझते हैं किसी भी प्लैनेट के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे दूसरा सैटेलाइट रिवॉल्विंग करता है, परिक्रमा करता है, वही क्या कहलाता है, उसका ऑर्बिट या कक्षक कहलाता है। ठीक है, किसी भी प्लैनेट में ऑर्बिट का होना कंपलसरी है, इसीलिए प्लूटो को एलिमिनेट कर दिया गया। पहले हम 9 प्लैनेट पढ़ते थे लेकिन प्लूटो का कोई ऑर्बिट नहीं है इसलिए उसे हमने एलिमिनेट कर दिया। तो ये किसी भी प्लैनेट की, ग्रह की पहचान होती कि उसके चारों ओर ऑर्बिट होगा ही होगा। ठीक है, जो सेंटर की ओर एक फोर्स क्रिएट करेगा जिसे अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, ताकि वो रिवॉल्विंग कर सके। ठीक है, तो मून के ऑर्बिट में, मून के ऑर्बिट में ये क्या करेगा, प्रवेश करेगा अराउंड 45 से 48 डेज में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इसमें और क्या समझनी है, इसमें समझनी है कि क्या क्या भेजा जाएगा। देखो एक्चुअल में इसके 3 पार्ट हैं। पहला तो एक तो होता था क्या है, इन जनरली मैं थोड़ा सा इसे कंपेयर कर रहा हूं। देखिए चंद्रयान 2 में क्या था, ऑर्बिटर एक हुआ करता था, एक क्या होता था लैंडर हुआ करता था, और एक क्या होता था यहां पर रोवर हुआ करता था। ठीक है, लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम क्या था, रोवर का नाम प्रज्ञान था। किसमें, चंद्रयान 2 में। अब ये क्या हुआ कि चंद्रयान 2 में हम लैंडिंग में फेल हो गए थे, तो लैंडिंग में फेल हुआ था, लैंडर भी कोलैप्स हो गया और रोवर भी कोलैप्स हो गया। अब लेकिन वहां पे चंद्रयान 2 में जो हमने ऑर्बिटर भेजा है वो अभी भी फंक्शनल है, करीब करीब 7.5 वर्ष तक वो फंक्शनल रहेगा, इसलिए इस बार हम ऑर्बिटर को नहीं भेजेंगे क्योंकि ऑर्बिटर ऑलरेडी फंक्शनल है पहले वाला। ठीक है, तो इस बार क्या भेजेंगे, हम लैंडर भेज रहे हैं और रोवर भेज रहे हैं। लैंडर मून की धरती पर लैंड करेगा और रोवर क्या करेगा, जैसे लैंड किया लैंडर, उसके अंदर से दरवाजे ओपन होंगे, उसके अंदर एक रोबोट निकलेगा छोटा सा, है ना, जो क्या है बेसिकली रोवर है, और रोवर क्या है मून की धरती में वहां पर स्टडी करेगा उसकी सॉइल वगैरह को। इज इट क्लियर? तो इसमें आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, क्या है, लैंडर मॉडल रोवर मॉडल तो है, एक यू है, यहां पर इस बार हम प्रोपल्सन मॉडल भी भेज रहे हैं। व्हाट डज इट मीन प्रोपल्सन मॉडल, प्रोपल्सन मॉडल क्या है, जैसे कि हम इस धरती में, पृथ्वी में ऊपर से पैरासूट से कूद जाएं तो आसानी से हम लैंडिंग कर सकते हैं, धीरे से उतर सकते हैं क्योंकि यहां पर एटमोस्फियर है, मून पे एटमोस्फियर नहीं है, तो वहां पर हमको अगर ऊपर से नीचे कूदेंगे तो हम आसानी से हम कह सकते हैं कि तुरंत के तुरंत नीचे पहुंच जाएंगे। और एक बात यह है कि वहां पर डैमेज हो जाएगा, हाथ पैर वगैरह किसी प्रकार की कैजुअलिटी हो सकती है क्योंकि वहां पर लैंडिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है, एयर ही नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन भी आगे बताऊंगा। तो यहां पे प्रोपल्सन मॉडल के थ्रू, यानी प्रणोदक मॉडल के थ्रू फ्यूल खर्च करेंगे नीचे उतरने में। इज इट क्लियर? तो क्या क्या भेजा जा रहा है, प्रोपल्सन मॉडल, लैंडर और रोवर मॉडल, मॉडल इसे भेजा जा रहा है। इज इट क्लियर? इतनी बातें याद रखना, जो काम की चीज है, कौन सी जगह से ये बेसिकली क्या है लॉन्च किया जाएगा, तो SDSCSAR से किया जाएगा। और जैसे मैंने बता दिया लॉन्चर का नाम क्या है, लॉन्चर का नाम जैसे स्टार्टिंग में बता दिया हूं, दोबारा यहां पे लिख देता हूं, लॉन्चर का नाम है भारत का सबसे ट्रस्टेड और सबसे पावरफुल लॉन्चर, दैट इज LVM3, जिसे मैं कहता हूं, पहले पुराना नाम क्या था, इसका नाम था GSLV Mark III था, जिसका नाम अभी रीनेम होके क्या हो गया है, लॉन्च व्हीकल Mark III। ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल Mark III। चलो अब देखते हैं, जिस प्रोपल्शन मॉडल की बात कर रहा था वो ये है, और उसमें जो लैंडर है, देखो ये कंप्लीट इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है, और इसमें क्या है, प्रोपल्शन के अंदर लैंडर है, लैंडर के अंदर रोवर है। तो जैसे ही ये प्रोपल्शन नीचे क्या करेगा, मून की धरती पर उतरने में हेल्प करेगा विद द हेल्प ऑफ फ्यूल, क्योंकि कुछ ही मात्रा में हम फ्यूल भेज सकते हैं वहां पर। उसके बाद देखेंगे यहां पर लैंडर धीरे से, उसके पैर ओपन होंगे और फाइनली लैंड करेगा, लाइक जैसे इस प्रकार ये ओपन हो जाएंगे, और उसके बाद ये दरवाजे ओपन होंगे और इस प्रकार रोवर निकलेगा और वहां पर स्टडी करेगा। ये कंप्लीट इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है अबाउट दी चंद्रयान मिशन। इज इट क्लियर? ये वही बात दे बता रहा हूं जो चीज है। देखो ये इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है, इसके अंदर से देख रहे हैं कि ये लैंडर है, लैंडर से इस प्रकार क्या है रोवर निकल रही है, और फाइनली रोवर क्या कर रहा है यहां पर, वहां पर स्टडी करेगा। इसमें सोलर पैनल, कैमरे, सेंसर्स, बहुत सारी चीजें लगी होती हैं जो आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमको देगा।
ठीक है, क्लियर हुआ? जब ये काम करना चालू करेगा, एक को एक फैक्ट आपको पता है, वन लूनर डे इज इक्वल टू 14 अर्थ डे होता है, यानी पृथ्वी के 14 दिन के बराबर क्या होता है, मून का एक दिन होता है। तो लिख लीजिए, है ना, वन लूनर डे डे इज इक्वल टू 14th अर्थ डे होता है, 14 अर्थ डे होता है, ये याद रखना। क्लियर हो गया? तो जब एक बार काम करना चालू करेगा, हमारे 14 दिन के बराबर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या काम की चीज है, क्या क्यों भेज रहे हैं हम वहां पर, चंद्रयान मिशन को क्यों भेज रहे हैं, चंद्रयान 3 क्यों मिशन कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। 3 ऑब्जेक्टिव लेके गए हैं, ये इसरो की साइड से लिया गया है, कि टू डेमोन्स्ट्रेट द सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ लूनर सर्फेस, हम आसानी से पहले लैंडिंग करें, आने वाला समय ऐसा होगा, नियर फ्यूचर ऐसा होगा कि लोग समर वेकेशन मनाने मून पे जाया करेंगे। ये बिल्कुल अति संयुक्ति बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा नासा ने करना स्टार्ट कर दिया है। आर्टेमिस मिशन के बारे में मैंने बताया था कि आर्टेमिस मिशन क्या है, धरती से हम कहां जाएंगे, मून में जाएंगे, और मून से 42 डेज में हम क्या करेंगे, वहां 2 चक्कर लगा के वापस अटलांटिक ओशन में लैंड भी करेंगे। तो ये ऐसा पॉसिबल होने वाला है, क्योंकि हम भी आगे स्टेप बढ़ रहे हैं कि नहीं, हम गगनयान मिशन छोड़ने वाले हैं 2024 के स्टार्टिंग में। तो जब हम स्पेस जाके धरती में आप आसानी से लौट आएंगे, तो अगला टारगेट होगा हम मून पे लैंड करें। अभी तो हम किसको भेज रहे हैं, रोबोट को भेज रहे हैं, तो आने वाले समय में हम क्या है, खुद ही लैंड करेंगे। ठीक है, यूएसए चाइना तो मार्स पे लैंड कर चुके हैं उनका रोबोट, इज इट क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना। तो पहला हम उसमें लैंडिंग का प्रयास करेंगे, और एक बात और, भारत 2033 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की ओर भी तेजी से अपना कदम बढ़ा रहा है। नाउ दूसरा, तो डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून, मतलब वहां पे क्या करेगा, रोवर जाएगा और वहां पे डेमोन्स्ट्रेट करेगा, वहां पे स्टडी करेगा, सभी टाइप की साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेगा। ठीक है, और वहां पर मैंने कहा प्लेटिनम, यूरेनियम, गोल्ड जैसे बहुत ही महंगे एलिमेंट पाए जा सकते हैं, और आप सभी को पता है यूरेनियम की कितना महत्व होता है। यूरेनियम, 1 ग्राम यूरेनियम से आप कई मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आप प्रोड्यूस कर सकते हो एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, दिस इज हमने दैनिक भास्कर की साइट से लिया हुआ है, जिसमें ये इस टाइप का जो है अच्छा प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया था। सो ये आप देख रहे हैं कि चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया जाने वाला है बाय LVM3 से। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कौन से ऑर्बिट में भेजा जाएगा। ये ऑर्बिट भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि CGPSC हो चाहे नेशनल लेवल के एग्जाम हो, किसी में भी ये ऑर्बिट भी पूछा जाता है। तो चलिए मैं ऑर्बिट की बातें बताता हूं, आप लोगों को बहुत आसान लगेगा, आपको विद इन 2 मिनट मार्स से लेके मून तक मैं पहुंचा सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्बिट मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। यहां पर ये अर्थ है, यहां पर मून है। ठीक है, अर्थ और मून देख रहे हैं, तो यहां पर एक ऑर्बिट है, डिफरेंट टाइप का ऑर्बिट। ये ऑर्बिट को कहा जाता है GTO ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। क्या होता है, चलिए मैं समझाता हूं, उसके बाद चीजें आप लोगों को और स्पष्ट हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर के एग्जाम में भी पूछा गया है। देखो, सपोज ये हमारी अर्थ है, हमने इसे अर्थ कह दिया। इसके बाद यहां पर क्या करो, यहां पर आप मून बना दीजिए। चलो अब यहां पर मार्स भी बना दीजिए, क्योंकि सेम मैकेनिज्म काम आता है। आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, अब बिल्कुल स्टार करके लिख लीजिए, ऑल इंटरप्लेनेटरी मिशंस आर एक्चुअली सेंट इनटू दी GTO ऑर्बिट। सभी अंतरग्रही जो लॉन्चेस होते हैं वो किसमें सेंड किए जाते हैं, GTO ऑर्बिट में ही सेंड किए जाते हैं। क्या होता है GTO ऑर्बिट, मैंने कहा जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, तो लिख लीजिए जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जिसे हम कहते हैं GTO। ठीक है, GTO कहते हैं। नाउ क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट एक वर्ड होता है, लो अर्थ ऑर्बिट की हाइट होती है 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक, ये हाइट होती है LEO की, लो अर्थ ऑर्बिट की। ठीक है, तो यहां पर इसको थोड़ा समझें कि पहली बार हम क्या करते हैं कि जो सैटेलाइट को होता है LEO में भेज देते हैं। LEO में भेज दिया मतलब इस जगह पर भेज दिया, और आपको पता है कि अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर और हो रहा है, तो चुपचाप हम इसे लॉन्च कर देते हैं और इस प्रकार उसकी मोशन को ऐसा ज्वाइन कर लेता है और इस प्रकार घूमने लगता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, फार्देस्ट पॉइंट होगा, दूरस्त बिंदु हो गया, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, नियरेस्ट या क्लोजेस्ट पॉइंट हो गया, या
समीप वाला पॉइंट हो गया। क्या कहा मैंने, पहले हम एलईओ में भेज देते हैं, एलईओ में भेज देते हैं, उसके बाद क्या है एक इसका एक डिफरेंट टाइप का ऑर्बिट होता है जिसमें एक फार्देस्ट पॉइंट होता है, दूरस्थ बिंदु होता है, जिसे कहा जाता है एपोजी कहा जाता है, एपोजी कहा जाता है, और एक नियरेस्ट पॉइंट होता है जिसे कहा जाता है पेरिजी कहा जाता है, पेरिजी हिंदी में कहूं तो उपभू कहा जाता है, और इसे कहा जाता है अपभू कहा जाता है। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, इसमें बहुत सारे थ्रस्टर्स लगे होते हैं जो थ्रस्ट यानी पावर जनरेट करते हैं, तो इस बार इतना हुआ थोड़ा सा एंगल को चेंज कर देते हैं, अगला जब घूम के आएगा तो थोड़ा सा ऑर्बिट अपना बढ़ा देगा। ठीक है, इस प्रकार आया, फिर इसके बाद गया तो फिर अपना क्या है इस प्रकार इसका ऑर्बिट का लाइक डिस्टेंस बढ़ा देगा, तो एपोजी लगातार बढ़ता जाएगा। एक ऐसी बार भी आएगी जब हम क्या करेंगे इस ऑर्बिट को एंगल इस प्रकार सेट कर देंगे कि ऑर्बिट से बाहर निकल आएगा और मून के ऑर्बिट में इस प्रकार प्रवेश कर जाएगा। तो यहां से यहां जाने में अभी देख रहे हैं कि 45 से 48 डेज लगेगा चंद्रयान 3 में, ये लॉन्चिंग डेट है, ये मून के ऑर्बिट में प्रवेश करने का डेट है। कई बार हम आप इमेज वगैरह में देखेंगे इधर से भी ऐसा करके ले जाते हैं, एक ही मतलब है। ठीक है, हम लास्ट वाले थ्रस्टर्स को इतना थ्रस्ट देते हैं, इतना पावर जनरेट करते हैं कि वो एक एंगल क्रिएट करता है और मून अपने ऑर्बिट से बाहर निकल के दूसरे जिस जगह पे हमको भेजना है उसके ऑर्बिट में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका चक्कर लगाएगा। ये तो पिछले बार चंद्रयान 2 में भी हम कर चुके थे इसे, जिसमें 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किए थे और इसमें पहुंच गए थे कब, 7 सितंबर को, लगभग वही 45 डेज आसपास में। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर एंटर कर रहा है, तो इस बार हम क्या करेंगे, इसके बाद एंटर करने के बाद ऑर्बिट में घूम रहा है, इसके बाद हम यहां पर लैंडिंग करेंगे, और लैंडिंग करने के दौरान ही हम फेल हो गए थे। ठीक है, इस बार हम लैंड करेंगे और इस बार हमारे पास बहुत पुख्ता तैयारी है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसको कर ही लेंगे। ठीक है, तो जैसे चंद्रयान मिशन 2-3 मिशन कंप्लीट होगा, एक लेक्चर छोटा सा सेशन जरूर दूंगा कि क्या क्या हुआ एक्चुअल में। ठीक है, फिलहाल हम इस मिशन के पहले देख रहे हैं, तो इसलिए ये चीजें हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा लैंडिंग करेगा, लैंडिंग ऐसा सीधा नहीं करता, धीरे से ऐसा उतरता है। ठीक है, नाउ अगर मुझे मार्स तक पहुंचना है तो क्या करूंगा, फिर से मैं क्या करूंगा, इसी जीटीओ ऑर्बिट में ही क्या करूंगा, इस प्रकार सेंड कर दूंगा। इसमें भी क्या एपोजी पेरिजी करते जाएंगे और जाने के बाद आखिरी वाला जाएगा ऐसा करके, और फिर मार्स के ऑर्बिट में हम एंटर करेंगे यहां पर। और हमारा ये मार्स ऑर्बिटल मिशन था, MOM था। ठीक है, और इसको पहुंचने में करीब 10 महीने लग गए, इसमें लगभग 1.5 महीने आसपास लगता है, 1.5 से 2 महीने लगता है। ठीक है, तो ये जीटीओ ऑर्बिट के बारे में याद रखना, 1925 में W. Hoffman ने इसे क्या किया था, डिस्कवर किया था, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। जीटीओ ऑर्बिट जितने भी इंटरप्लेनेटरी मिशन होंगे, अंतरग्रही मिशन होंगे, वो किसमें होगा, हमेशा जीटीओ ऑर्बिट में ही होगा। तो देखिए इसी पॉइंट को यहां पर मेरे ख्याल से आप पहुंच गए मून और मार्स पर, तो हम इस प्रकार एपोजी पेरिजी करेंगे और यहां पर इस प्रकार दिया गया है, और फाइनली हम लाइक यहां इनके ऑर्बिट में एंटर करेंगे। इज इट क्लियर, दिस इज कॉल्ड अ जीटीओ ऑर्बिट। जितना भी इंटरप्लेनेटरी मिशन है, मतलब पृथ्वी से बाहर गए, मतलब सीधा आंख मून के टिक कर देना कि वो क्या है, जीटीओ ऑर्बिट ही होगा। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के ऑर्बिट्स हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी का टॉपिक हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में है भी, आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, जिसमें मैंने ऑर्बिट को एक्सप्लेन किया हुआ है। अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग सैटेलाइट जो है लॉन्च किए जाते हैं, आप सैटेलाइट देख के पहचान सकते हो कि वो कौन से ऑर्बिट में जाएगा, क्योंकि उस कंसेप्ट को मैंने वहां बताया हुआ है। ठीक है, तो ये सेशन को हम यहां पर करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे स्किप कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग ऑर्बिट होते हैं। चलो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मून, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत काम की चीज है। चलिए देखते हैं क्या क्या है मून के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो पहला, यहां पर क्या है, कोई वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल नहीं है, क्यों नहीं है उसका रीजन भी हम यहां पे जानेंगे, क्योंकि ये जनरल साइंस का फैक्ट है, वायुमंडल नहीं है। ऐसा नहीं कि वायु नहीं है, है वायुमंडल नहीं है, क्योंकि वो एस्केप हो जाती है, पलायन हो जाती है। आप लोग वर्ड सुने हो एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग सुने हो, ये वही पॉइंट है यहां पर जिसके बेस में हम समझा सकते हैं। पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, चलिए मैं समझाता हूं आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। किसी वस्तु को आप ऊपर उछालोगे तो कितना में गिरता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड से क्या करती है, नीचे गिरती है। ये किसके लिए है, अर्थ के लिए। ठीक है, मतलब अर्थ का ग्रेविटेशन है,
लेकिन मून में क्या है, ग्रेविटेशन का क्या है, 1/6 होता है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटी एक्सेलरेशन कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड है, उसका 1/6 कितना है वहां पे मून में है। दूसरी बात, यहां पर पलायन वेग को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इसलिए इसे समझे, वो तो एडिशनल फैक्ट हो गया कि किसी वस्तु को अगर पृथ्वी में 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका जाए, किसी ऑब्जेक्ट को हम इतना स्पीड से फेंकते हैं कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड में हम उसे क्या कर रहे हैं, यहां से अर्थ से ऊपर की ओर भेज रहे हैं, तो वो अर्थ पे लौटेगी नहीं, वो अर्थ के ऊपर ही चली जाएगी। ये बात याद रखना, कोई भी वस्तु हो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर भेजा जाए तो वो धरती पर लौट के नहीं आती। इसी को कहा जाता है, इसी वेलोसिटी को कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा ये तो क्या है, किसकी बात हो गई, अर्थ की बात हो गई। अब मून में क्या है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू मून में है 2.4 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। तो इस केस में देखते हैं कि मून में कितना है, बहुत कम है, कितना है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है, मतलब इतना भेजना, इतना आसानी से इतना किलोमीटर की वेलोसिटी क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर गैस की बात की जा रही है, तो वहां पर जितने भी मून के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के अणु हैं, उनकी स्पीड इस स्पीड से ज्यादा है, यानी 2.4 किलोमीटर से उनकी स्पीड ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, मून के ऊपर रहते ही नहीं है और वो सीधा ऊपर चले जाते, गायब हो जाते हैं, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी से उनकी वेलोसिटी ज्यादा है। वही बात तो मैंने कहा था, 11.2 मीटर पर किलोमीटर पर सेकंड से किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए या उससे ज्यादा फेंका जाए, वो धरती पर लौट के नहीं आ पाएगी, तो उसी को एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग कह रहे हैं। वही तो वहां पर कह रहा हूं कि मून में इसकी वैल्यू 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है, और गैसियस मॉलिक्यूल या गैस के अणुओं का जो पलायन वेग है इससे ज्यादा है, इसलिए वहां पर कोई भी गैस टिकता ही नहीं और वो ऊपर एस्केप वेलोसिटी के कारण चला जाता है, इसलिए वहां पर एटमोस्फियर नहीं है। ये बात सबको समझ में आई। दूसरा पॉइंट कि यहां पर जब आप मून पे जाएंगे, मून में एक दूसरे की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, आवाज सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि यहां पे कोई मीडियम ही नहीं है, कोई माध्यम ही नहीं है। अरे भाई, मून में अगर आजू बाजू भी खड़े रहे, एक दूसरे को कुछ बोलोगे तो आवाज सुनाई ही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि वहां एटमोस्फियर ही नहीं, वायुमंडल ही नहीं है, मतलब कोई मीडियम ही नहीं है। और साउंड यानी ध्वनि क्या है, कौन सा वेव है, मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है, जिसको ट्रेवल करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह मीडियम की जरूरत पड़ती है। ये लाइट थोड़े हैं, प्रकाश या लाइट क्या होती है, वो नॉन मैकेनिकल वेव है या अयांत्रिक तरंग है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि भी कह सकते हैं, जिसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। इसीलिए तो सूर्य से पृथ्वी तक 8 मिनट 16.6 सेकंड में सूर्य की किरणें पहुंच जाती है, जबकि बीच में क्या है, वैक्यूम है, निर्वात है, फिर भी आ जाती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको ट्रेवल करने के लिए कोई माध्यम आवश्यकता नहीं पड़ती, दैट्स वाई वो पहुंचाती है। इज इट क्लियर, सबको क्लियर हो गया, दो पॉइंट क्लियर हो गया। चलो अब ये तीसरा पॉइंट इसे बना लीजिए कि टोटल ग्रेविटी का, ग्रेविटी एक्सेलरेशन का 1/6 होता है किसमें, मून में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। नाउ यहां पर मैंने कहा है तीसरा पॉइंट कि मून में भी क्या है, यहां पर इस प्रकार क्या है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो हम कहां पे लैंड करने वाले हैं, साउथ पोल पे लैंड करने वाले हैं। 14 यहां पर देखते हैं कि वहां पर यहां के 14 दिन के बराबर मून का एक दिन होता है, तो लंबे समय तक, मतलब समझो 14 दिन का यहां पर, यहां के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो अंधेरा रहेगा 14 दिन, क्या उजाला रहेगा, ऐसा कह सकते हो यहां के कंपेरिजन में। तो ये एक दिन बहुत लंबा समय होता है वहां के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा है, यहां के अर्थ के 14 दिन के बराबर। तो हम इस जगह पे लैंड करने वाले हैं, साउथ पोल पे। ठीक है, जो अभी तक अनटच्ड एरिया है, अननोन एरिया है, क्या पता कुछ नया चीज इसमें कर लें। फोर्थ पॉइंट, वहां पे कोई जीपीएस काम नहीं करेगा, जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा सैटेलाइट मून के ऊपर नहीं है जैसे हमारे ऊपर है। हमारे ऊपर देखते हैं, ये इंडियन जीपीएस का नाम है नाविक। भाई जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूएसए का मॉड्यूल है,
वो पूरे अर्थ के चारों तरफ क्या है, अर्थ का एक एक कोना कवर किया हुआ, उसलिए यूएसए की सर्विस को हम यूज करते हैं। लेकिन इंडियन जीपीएस जिसे हाल ही में सीजीपीएससी ने दो अल्टरनेट ईयर में पूछा है, तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, जिसमें कि अलग अलग सैटेलाइट है जो अलग अलग एरिया को, पृथ्वी के नहीं, अर्थ के नहीं, हमारे इंडिया के एक एक कोने को कवर किया हुआ है। और नियर फ्यूचर में हम क्या करेंगे, हम आपको बता दें कि नियर फ्यूचर में पूरे पृथ्वी के एक एक कोने को कवर करेंगे और जीपीएस को गुड बाय कहेंगे। और आपके मोबाइल से भी जीपीएस हटने वाला है, नाविक इनेबल होने वाला है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इस यहां पर कोई जीपीएस काम नहीं करता, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। चलिए मूव करते हैं। अब हम जैसे ही बात करते हैं मंगलयान जैसे मिशन, वो भी इंटरप्लेनेटरी मिशन था, तो सेम देखिए वहां पे एपोजी पेरिजी करते हुए हम मून तक पहुंचे थे। ये रियल पिक्चर है मून का, और यहां पे ऑर्बिटर चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इज इट क्लियर, ये बातें ध्यान रखना। तो ये चंद्रयान 3 मिशन के बारे में जो फैक्ट बता रहा था वो है। अब थोड़ा 1 और 2 की बात कर देते हैं। तो चंद्रयान 1 के बारे में थोड़ा देख लें। चंद्रयान 1 जो है, पहली बार हम सन 2008 में हमने क्या किया था, 22 अक्टूबर 2008 को यहां पे इसे लॉन्च किए थे। और इससे रिलेटेड कुछ अच्छी यादें हमारे पास है। पीएसएलवी C11 से हम क्या किए थे, इसे लॉन्च किए थे। ये हमारा लॉन्चर था, ठीक है, पीएसएलवी C11 लॉन्चर था जिससे कि चंद्रयान 1 भेजे थे, ठीक है। इस समय इसरो के चेयरमैन कौन थे, जी माधवन नायर, ठीक है, साहब थे। और जब हम इसे क्या किए, इस प्रकार अर्थ, इस प्रकार मून, एपोजी पेरिजी करके यहां पर पहुंचाए, तो यहां पर लॉन्च तो कर दिए, लॉन्चिंग डेट ये है। उसके बाद जैसे वहां पर हम एंटर करते हैं, उसके बाद उससे कांटेक्ट हम खो देते हैं, और कांटेक्ट खो देते हैं तो ऐसा लग रहा था कि शुरुआत में हमारा चंद्रयान मिशन फेल हो गया। बाद में नासा ने उसे कांटेक्ट किया, और नासा ने बहुत एक्साइटमेंट के साथ इसरो को कांटेक्ट किया कि फर्स्ट टाइम चंद्रयान 1 ने ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा हमको सेंड किया है कि मून में पानी होने का कंफर्मेशन दिया है। तो मून में पानी होने के लिए दुनिया को किसने बताया, चंद्रयान 1 ने बताया। तो इसलिए यहां पर नासा का भी पिक्चर है, जिसे 2009 में फाइनली क्या है, हमको शेयर किया था कि हम उनसे कांटेक्ट कर लिए हैं और फाइनली मून में पानी है करके, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब मिल गया, तो वहां पे क्या है, पानी है। और जहां पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 4 मिल गया, वहां लाइफ पॉसिबल है। तो नियर फ्यूचर में एलियंस मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि उसके मिलने के चांसेस ज्यादा है, नहीं मिलने के कम, क्योंकि हम पूरे यूनिवर्स को अभी एक्सप्लोर ही नहीं किए हैं, और यूनिवर्स का तो बहुत लगातार एक्सपांशन हो रहा है। तो नियर फ्यूचर में एलियंस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो चंद्रयान 2 मिशन की बात करते हैं। तो चंद्रयान 2 मिशन में जैसे हम बात करते हैं यहां पर क्या क्या हुआ था, सेम एपोजी पेरिजी वाली फैक्टर आएगी, और इसमें हम याद रखेंगे क्या क्या था, ऑर्बिटर था, लैंडर था, और तीसरा क्या था, रोवर था। तो लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था, ठीक है। और कब छोड़े थे हम यहां पे, लॉन्चिंग डेट अगर हम कहें तो लॉन्चिंग डेट है हमारे पास, दैट इज 22 जुलाई 2019। किससे लॉन्च किए थे, सेम लॉन्चर था, ठीक है। लेकिन ये अब एंटर ऑर्बिट में कब एंटर किया, ऑर्बिट में एंटर किया तो ये याद रखना 7 सितंबर 2019। देखो कुछ मायने में ये फेलियर था, कुछ मायने में ये हमारे लिए सक्सेस भी था, क्योंकि ऑर्बिटर तो फंक्शनल है ना, तभी तो हम इस बार चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं भेज रहे हैं, तो वो सक्सेस कहा जाएगा। लेकिन हाँ ठीक है, हम लैंडिंग में फेल हो गए थे ये माना जाएगा, तो लैंडिंग फेल हुआ तो इस बार चलो हम करके दिखाएंगे 2023 में चंद्रयान 3 मिशन से, ठीक है। तो यहां पर जो लॉन्चर का नाम था क्या था भाई, यहां पर लॉन्चर का नाम था दैट इज GSLV Mark 3। और इसे नाम क्यों बदला गया है मैं अभी यहां पर बता देता हूं। इसका नाम अब क्या हो गया है, LVM3 हो गया है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 हो गया। ये क्या है, लॉन्चर का नाम है। देखो क्यों इसको बदला गया नाम, पहले क्या था PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पहले क्या था इसका सीक्वेंस में बताऊं, लॉन्चर का सीक्वेंस, तो सबसे पहले हमारा लॉन्चर था SLV3, उसके बाद हमने बनाया ASLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, फिर ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, फिर जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल। अगर मैं बात करूं इसका ईयर को पर्टिकुलरली, तो ये हमने पहली बार 1979 में बनाया था, लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल मिशन 1980 में हुआ था। ASLV कब बना था,
1992 में बना था। पीएसएलवी कब बना था? 1994 बना था। पीएसएलवी को ध्यान से देखिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो पोलर के पोलर ऑर्बिट में जाए। पोलर ऑर्बिट को लो अर्थ ऑर्बिट भी कहा जाता है, मतलब 200 से 2000 किलोमीटर की हाइट पर क्या होगा, इसे पोलर ऑर्बिट कहा जाएगा, और उसी ऑर्बिट में भेजने के लिए इसे डिजाइन किया गया था। और इसरो के ज्यादातर मिशन पीएसएलवी से ही किए गए हैं, ठीक है, क्योंकि जीएसएलवी बहुत बाद में बना। ये कब बना? 2001 में बना। तो जब हम कह रहे हैं ये जियोसिंक्रोनस, मतलब 36,000 किलोमीटर पर इसकी मदद से भेजा जा सकता है, क्योंकि सबसे पावरफुल लॉन्चर है ये, उसी का टाइप है वो जीएसएलवी मार्क 3 या एलवीएम 3। तो ये जो है 36,000 किलोमीटर की हाइट पर था, और ये क्या है, 200 से 2000 किलोमीटर की हाइट के लिए डिजाइन था। लेकिन जब हमने क्रायोजेनिक इंजिन बना दिया, तो क्रायोजेनिक इंजिन जब हम बना दिया 2009-10 में हमने टेस्टिंग किया, और फाइनली 2013 और 14 के बीच में हम इसे सक्सेसफुली टेस्टिंग करके लॉन्च भी किए, जिसमें मैंने कहा था एलवीएम का पहला लॉन्चिंग भी 2014 में हुआ था। तो क्रायोजेनिक इंजन एक ऐसा इंजन है जो बहुत ज्यादा पावर जनरेट करता है, ऐसा इंजन है जिसमें हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है और ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। और इसे जिस इंजन में, इस इंजन को जिस लॉन्चर में फिट कर देंगे, वो किसी भी हाइट पर जाने के लिए कैपेबल होगा, 5000 किलोग्राम की चीजों को भी आसानी से ले जा सकता है। अब हुआ ये, पीएसएलवी का जो एक्सएल वर्जन होता है, एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन होता है, अगर उसमें हम क्रायोजेनिक इंजन को फिट कर देंगे, क्रायोजेनिक इंजन को फिट कर देंगे, तो वो क्या है, वो भी 36,000 किलोमीटर हाइट पर जाने के लिए कैपेबल हो जाएगा। अब हमने क्या किया था, जियोसिंक्रोनस हाइट पर लॉन्च करने के लिए जीएसएलवी बनाया था, लेकिन इस हाइट पर तो ये भी चला जा रहा है, तो ये ऑर्बिट के हिसाब से नॉमेनक्लेचर तो गलत हो गया। पोलर ऑर्बिट पे जाता था ये, जियोसिंक्रोनस पे जाता था, लेकिन अब ये भी इस हाइट पर जाने लगा है, जियोसिंक्रोनस हाइट पर। तो इसलिए इसका नॉमेनक्लेचर चेंज करके क्या कर दिया गया है, एलवीएम 3 कर दिया गया है, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 कर दिया गया है। क्लियर हुआ? चंद्रयान 2 मिशन को देखेंगे तो ये वैसे ही हुई थी, एपोजी पेरिजी, एपोजी पेरिजी, ये डेट मत लिखना, ये थोड़ा सा इस पिक्चर में क्लियर मिस्टेक है, एक्चुअल मैंने आप लोग को नोट करवा दिया। ये वही था, लोअर ऑर्बिटर और लैंडर, ये दोनों फेल हो गए थे, बट ये अभी भी फंक्शनल है, ठीक है। ये बातें याद रखनी है जो आपके चंद्रयान मिशन 1, 2, 3 से रिलेटेड है। आई होप ये सभी बातें क्लियर हो गई। नाउ और क्या इसमें समझनी है, तो चंद्रयान 3 में एक पॉइंट और याद रखना, ये अराउंड क्या है, 3 टन पैलोड को लेकर जाएगा। पैलोड मतलब वो लैंडर, वो रोवर और वो प्रोपल्सन, पूरा जो मॉडल है वो सबको हम एक साथ क्या कह देंगे, पैलोड कह देंगे। तो 3 टन के पैलोड को वो लेकर जा सकता है। एक्चुअल में पैलोड तो किसी भी एडिशनल इक्विपमेंट्स को एक साथ पैलोड कह देते हैं, लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं कि लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल का ओवरऑल देखेंगे तो वहां 3 टन का पैलोड को ये ऊपर लेकर जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई। अब देखो, धरती से चांद की दूरी करीब करीब 4 लाख किलोमीटर है, 4 लाख किलोमीटर है, और 4 लाख किलोमीटर को हम 45 से 48 डेज में पहुंचेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट टू चंद्रयान मिशन और गुड लक इसरो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।